गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। टुडे अवर जीके चैप्टर थर्ड इंग्लिश नेम इज आइडेंटिफाई द एनिमल्स। बच्चों आज हम चैप्टर में कुछ अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, बट इस चैप्टर में जो है हम आइडेंटिफाई द एनिमल्स यानी कुछ स्पेशल एनिमल के बारे में जानेंगे कि उनकी क्या क्वालिटीज होती है, क्यों उन्हें एक अलग मतलब एनिमल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, फॉलोइंग आर सम एनिमल्स विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। जैसे एक जैसे बहुत सारे इंसान होते हैं, उनमें से कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज होती है। सेम एनिमल्स के साथ भी ऐसी होता है, एनिमल्स के अंदर भी कुछ यूनिक क्वालिटीज होती है जिनकी वजह से वो कुछ डिफरेंट एनिमल्स में उनकी गिनती होती है। तो आइए हम इस चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट है, इट हैज एट लेग्स एंड स्पिन वेब। आपको पता है कि एट लेग एंड स्पिन वेब यानी कि ये जो है स्पाइडर जो है सबने देखा होगा अपने अपने घरों में, इसके एट लेग्स होते हैं और ये क्या करते हैं अपने जो अपना जाल जो होता है खुद बनाता है। आपने स्पाइडर अपने घर में आमतौर पर देखा ही होगा कि कहीं पे जाल लगता है तो उसे कौन उसमें स्पाइडर रहता है। स्पाइडर को आपने देखा होगा वो आठ पैर उसके आठ पैर होते हैं और वो बहुत हल्का होता है। तो स्पाइडर का हमने क्या देखा, इट हैज एट लेग्स एंड स्पिन वेब्स यानी कि ये इसके पास आठ पैर हैं और स्पिन वेब यानी कि इसके ये अपना वेब खुद बनाता है। सेकेंड है, दिस स्मॉल एनिमल इज गिवन द नेम स्नेक किलर। स्नेक किलर है बच्चों, आपने नेवले का नाम सुना होगा। नेवला जो है वो सांप तो बहुत कट्टर दुश्मन कहा जाता है और वो कहीं और उसकी और सांप की जब लड़ाई होती है तो ऑलमोस्ट नेवला ही जीतता है। तो नेवले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉन्गोस। नेवला जो है वो हमारे मतलब हर जगह पाया जाता है और वो सांप से मतलब किसी भी तरह की लड़ाई में जीत जाता है। तो इसे क्या इसकी क्वालिटी बताएगी, दिस स्मॉल एनिमल इज गिवन द नेम स्नेक किलर यानी कि इसे सांप का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया और इसे इसका नाम क्या है, मॉन्गोस। थर्ड है, दिस एनिमल लुक लाइक अ कैमल विद आउट अ हम्प लाइक शीप इट गिव अस वूल यानी ललमा जो है ये कैमल की तरह दिखती है और कैमल की तरह ये वर्क भी करती है। जैसे आपने देखा ना कैमल जो है वो बोझ उठाता है इधर से उधर जाता है, उसी तरीके से ये भी है कि कैमल की तरह वर्क करता है लेकिन इसकी बॉडी पर जो उसकी वो वूल होती है वो हमारे कई तरह के कामों में यूज की जाती है। फोर्थ है, नाइदर इट इज फॉर्म ग्यूना नॉर इट इज अ पिग, इट इज फॉर्म अ रेड फैमिली। ना तो ये पिग है और ना ही ये ग्यूना है, ये क्या है रेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसे क्या बोलते हैं ग्यूना पिग। मतलब इसकी जो क्वालिटी है ये ग्यूना पिग भी नहीं है और ये रेड फैमिली से बिलोंग करती है। फिफ्थ है, इट हैज अ कोट ऑफ शिफ्ट शार्प स्पाइंस इट इफ अटैक दे कर्ट देमसेल्फ इनटू अ प्रिकी वॉल यानी कि हेड जो डॉग जो है उस पर जब कोई अटैक करता है तो वो अपने आप को ना एक बॉल के रूप में कन्वर्ट कर लेता है, कर्ट बॉल के रूप में, ताकि उसे कोई पहचान न सके। तो आज हमने यहाँ पे कुछ फाइव डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा समझा। आपको और भी कुछ एनिमल्स के बारे में जानना है और उन्हें समझना है, आपका होमवर्क है, रिवाइज दिस टॉपिक अगेन। थैंक यू।